So today we're gonna learn about nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई कुछ भी बोल लो, ठीक है। So, एक और टॉपिक बाकी है इसमें एक्सरे, वो मैं आपको न्यूक्लियस की बात कराऊंगा, ठीक है। हमने एटॉमिक कोलिजन ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब एटम आता है तो किस तरह से उसका वो सब पढ़ा था, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हमने, डी ब्रोगली वेवलेंथ सब कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, मैंने सबका वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ बताया था। सो नाउ वी गोना स्टडी न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है एटम में, उसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है? द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों, तो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन जेड होता है, जेड आपका कोई भी न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड एक एक्सप्रेशन होता है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का न्यूक्लियस को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टर्म बता रहा हूँ, न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियाइड क्या होगा? जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस होगा किसी एटम का, उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर से। इट इज a specific nucleus, it is a specific nucleus of atom which is characterized by atomic number and mass number, जिसको क्या आपको भी समझ आ जाएगा, characterized by spelling गलत लिख दी, ऐसा आता है characterized में, characterized by its atomic number को हम किससे represent करते हैं? Z से, ठीक है, and mass number which is represented in the form of A, ठीक है। इसको represent करने का तरीका कैसे होता है? Nucleoid, कोई भी किसी को nucleoid क्या होता है? कोई भी एक आपका X atom है, तो उसका nucleoid इस तरह से बताया जाएगा। This is expression, this expression, nucleoid is expressed in term of X, ये X क्या आपका?
केमिकल सिंबल ऑफ एटम? ठीक है, और ए जेड क्या आपका एटॉमिक नंबर, और ए है आपका मास नंबर, इसे एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो जेड आपका एटॉमिक नंबर होता क्या है? जेड इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब हों, विच इज ए। ठीक है, क्लियर है सबको? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस से बताने के तो सीधा बोलते हैं जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर बताने से क्या लिखते हैं हम? ए माइनस जेड। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना आपका? ए। क्लियर है इतना सबको? आर्यन ने ज्वाइन कर लिया ग्रुप को। ठीक है, मेरा किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इतने में। फिर नेक्स्ट टर्म न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस क्या होगा? जो कोई भी एटम होता है उसकी न्यूक्लियर रेडियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूक्लियर रेडियस इज रिप्रेजेंट इसको किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है। न्यूक्लियर रेडियस बताने से पहले मैं आपको न्यूक्लियर डेंसिटी बता देता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी समझोगे तब आपको रेडियस ज्यादा अच्छे समझ आएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी ये क्या होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रो इक्वल टू ए अपॉन बी, और रो जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक मास की। न्यूक्लियर डेंसिटी इज न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास या मास नंबर, कुछ भी बोल लो, बात एक ही आपकी। ठीक है, और न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, विच इज इक्वल टू फिक्स होती है वैल्यू 10^17 के ऑर्डर में होती है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 10^14 के ऑर्डर में होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कल को मानो सर हमेशा ये फिक्स ही, मतलब ऑर्डर इसका इतना होता है, ऑर्डर मतलब 3 × 10^17, 400 × 17 ऐसा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर जो है उसका वो 10^17 होता है। इतना सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? एनी डाउट? क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर आता है नेक्स्ट वर्ड टर्म है आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर रेडियस डेंसिटी नहीं, न्यूक्लियर रेडियस के बारे में
आपको बताया गया है कि डेंसिटी रेडियस निकालना है आपको। डेंसिटी आपको पता है किसी भी एटॉमिक मास होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ए आपका मास एटॉमिक मास, ठीक है, ए इक्वल टू डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम क्या होता है, हम न्यूक्लियस को स्फीयर मानते तो 4/3 πr³, ठीक है, क्लियर है इतना। और रो इंटू 4/3 πr³, तो आर क्यूब क्या बनेगा, 3a/4πρ, रो 4π3 सब कांस्टेंट है, सो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a, आर इज प्रोपोर्शनल टू a^3, आर इक्वल टू आर नॉट a^1/3, ठीक है, ओके। और आर नॉट आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा, हमेशा रेशियो पूछता है, ठीक है, तो आर नॉट इज ए कांस्टेंट वेयर ए इज अ मास नंबर, ठीक है, इज ए कांस्टेंट एंड ए इज मास नंबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला डेंसिटी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास एंड रेडियस होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, सो आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, ठीक है, सो आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट एंड ए इज मास नंबर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, इज इट क्लियर, क्लियर है सबको, इसके बाद फिर आता है आपका आइसोटॉप्स। यस निष्ठा, एक मिनट, सॉरी मेरे को चैट बॉक्स आपको दिख नहीं रहा था, अब मुझे को दिखा है, जस्ट वेट अ सेकंड, आई नीड टू रीड मैसेज। सर डेंसिटी इतनी ज्यादा कैसे, न्यूक्लियस आपको पता सबसे ज्यादा बड़ी जो डेंसर होता है ना, न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, पर क्या होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, हमें न्यूक्लियस दिखाई कहाँ देता है, उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि दिखता ही नहीं, इसलिए उसका मास रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है, कि बट न्यूक्लियर डेंसिटी हमने कैलकुलेट की है तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाउ ऑल एलिमेंट्स कैन हैव सिमिलर न्यूक्लियस डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी है, मास की बात नहीं की है, अगर जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो जिस जैसे मास बढ़ेगा उसके रिलेटिवली वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, रिलेटिवली नहीं बढ़ता फर्क, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियस आयरन की बात की तो उसकी डेंसिटी है 4×10⁻¹, और जब निकल की बात की तो फीकोनी, हाँ ठीक है, तो जब उसकी बात की निकल की तो वो हो गई 8×10⁻¹, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, उसका ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है, वो 10⁻¹ के ऑर्डर में रहती है, क्लियर है, मैंने बोला भी था चेल्सी, इसलिए मैंने पहले आपको न्यूक्लियर डेंसिटी बताया था कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मैंने भी न्यूक्लियर डेंसिटी में यही बोला था कि रो जो होता है आपका वो ए पे डिपेंड नहीं करता है, ए और वी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम ऑर्डर में रहेगी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद तो इतना सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, इफ यू हैव एनी डाउट। सर आर नॉट इक्वल टू 4/3 × 10⁻¹, आर नॉट इक्वल टू 4/3 × 10⁻¹, पता नहीं, आप कैलकुलेट कर लो ना, ये यहाँ से देखो आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
आर सो आर क्यूब इक्वल टू मैंने क्या लिखा 3a, तो r कितना बनेगा यहाँ से आप कर लो इतना कैलकुलेट, r इक्वल टू 3/4πρ पावर 1/3 a पावर 1/3। तो r नॉट की वैल्यू ये है, ये जो पूरी वैल्यू है या आपकी r नॉट की वैल्यू है, इसको कैलकुलेट कर भी सकते हो, 3/4πρ की वैल्यू 10^17 रख दो तो आप आ जाएगा आंसर। ओके मतलब ये इतना ठीक है, ठीक है हम रेशियो के फॉर्म में निकालते हैं, हमेशा वो देगा गिवन कितना है तो वो आर नॉट ही नहीं देगा, ठीक है ओके। सो इतना सबको क्लियर है, किसी को अभी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह में मास ऑफ एटम भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम, एटम का मास होता क्या है, न्यूक्लियस का जो मास होता है वही तो एटम का मास होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली नेग्लिजिबल, नहीं 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 हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर तो प्रोटॉन और ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। आई एम आस्किंग दिस, नहीं 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 आप मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के लिटरली काफी ज्यादा होता है, बट इलेक्ट्रॉन के मास को हम रिमूव नहीं कर सकते, मतलब ऐसा उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ओके। चलिए फिर तो इतना सबको क्लियर है, इसके बाद आपको डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। ठीक है चलिए आगे बढ़े। सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनका सेम, आइसोटॉप्स आर दोस एलिमेंट विच हैज सेम जेड बट डिफरेंट, सेम तो होता है जेड बट डिफरेंट क्या होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर नॉट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका देखो आपकी जो पीरियोडिक टेबल बनती है वो जेड के बेसिस पे बनती है, तो इसका मतलब सेम एलिमेंट के होंगे, आइसोटोप्स आर ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर, सेम है एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या मास नंबर, तो ये एक ही एलिमेंट क्यों होंगे। जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लिखा है चैट बॉक्स पे पहले वो लिख दें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सब लोगों ने लिखा है, जिन जिन ने नहीं लिखा है वही लिखे बस, ठीक है। और मास डिफरेंट होता है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ठीक है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2, ट्रिटियम का 1H3, इसमें होते हैं 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। जेड देखो जेड सबका सेम है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो आइसोटॉप्स आर मीन दोस, ये एक ही एटम के होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है क्लियर है सबको। इसका और एग्जांपल है 6C12 एंड 6C14, कार्बन और उसका आइसोटोप, यहाँ पे 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, इधर 6 प्रोटॉन है बट 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज आइसोटोप्स, क्लियर है। नेक्स्ट आइसोबार्स,
आइसोबार क्या होता है? जिनका सेम एटॉमिक मास हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो. सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो. न्यूक्लियर डेंसिटी तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना. कहाँ कर रहा है? मैंने बोला था निशिता इस चीज को, निष्ठा, कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास. मैंने एक लाइन लिखी भी थी लास्ट स्लाइड में, ये देखो मैंने इधर लिखा था. ये देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है? और ऊपर देखो फॉर्मूले में, सर फॉर्मूले में ये जो होता है एटॉमिक मास जो है वो वी पे डिपेंड करता है, रो को फिक्स ही रहता है. तभी तो मैंने देखो आर को सिर्फ एक ही फॉर्म में लाया हूँ. वो आर क्यों, किधर से आया? वॉल्यूम से आया ना ये चीज. मैं सिर्फ उसको प्रोपोर्शनल टू ए किया, मैंने डेंसिटी तो नहीं लिखा ना, बिकॉज डेंसिटी सिर्फ एक कॉन्स्ट. यहाँ देखो ये लिखा हुआ डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो बाहर रही हूँ. ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए. ठीक है, अभी चैट का पता भी नहीं चल रहा इसमें. ठीक है, तो आइसोबार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो इस बार आपका ए तो होगा सेम बट जेड क्या होगा? डिफरेंट. तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है. टोटल जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो सेम है, वेयर एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग है और प्रोटॉन भी अलग है. ठीक है, एग्जांपल ये सेम एलिमेंट के नहीं होंगे, अलग अलग एलिमेंट के होंगे. आइसोटॉप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, देखो इनके अंदर ए सेम है, इसमें है 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, इसमें है 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन. ना ही प्रोटॉन सेम है ना ही न्यूट्रॉन सेम है, बट उन दोनों का जो सम है वो क्या है? सेम है. तो एटॉमिक मास जो है वो सेम है, वेयर एज एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है आपका? अलग अलग है. क्लियर है इतना? क्लियर? ओके, चलिए फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है आपका टर्म आइसोटोन्स. आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ क्या हो? न्यूट्रॉन्स हो, दोज आर नोन एज आइसोटोन्स. ठीक है, आइसोटोन्स आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसका मतलब Z भी अलग होगा, A भी अलग होगा, बट A माइनस Z क्या होगा? सेम होगा. A माइनस Z विल बी सेम. ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ ज्यादा. आइसोटोन्स हैविंग आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोटाइड व्हिच हैव कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एग्जांपल कार्बन ही ले लो और ऑक्सीजन. कार्बन का आइसोटोप है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8. इधर प्रोटॉन है 8 एंड न्यूट्रॉन्स आर 8. ठीक है, दिस इज आइसोटोन्स. ऑर्गन एंड कैल्शियम, अगर ऑर्गन आपका 18 नंबर पे 40 एंड कैल्शियम, दीज आर आइसोबार्स. बिल्कुल सही बात है, ये आपके आइसोबार होते हैं ऑर्गन एंड कैल्शियम. ठीक है, सबको क्लियर है ये चीजें? आइसोटोन, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स. कोई डाउट तो पूछ लीजिए. एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर
नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स वही जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होल्ड करके रखता है किस किस को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स of attraction between which holds strongest force of attraction जो hold करता है which holds proton and which hold जो क्या है nucleus को hold करके रखता है which holds the nucleon। nucleon का मतलब क्या होता है? electron और proton दोनों का summarize होता है उसे क्या बोलते हैं? nucleons, ठीक है? neutrons और प्रोटॉन्स नोन एज न्यूक्लियन, ठीक है? वो भी उस छोटे से मॉलिक्यूल में। और न्यूक्लियर फोर्स, ये मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरा होता है, वो चार्जेस की वजह से लगता है, ठीक है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पे तो चार्ज होता ही ना, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो न्यूक्लियर फोर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? सेम बात समझ लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगता है उससे हमसे कब लगता है, जब चार्ज हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा था न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि आज आप किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स भी है न्यूट्रॉन्स भी है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपस में क्या करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन विल रिपेल, सही है? प्रोटॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अंदर, यहाँ पे प्रोटॉन पी 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 भरा हुआ है प्रोटॉन अंदर, ठीक है? तो प्रोटॉन तो रिपेल करेंगे, तो इसलिए उनको बांध के रखने के लिए सभी प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो इन स्पाइट ऑफ, और ये फोर्स भी छोटा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, ठीक है? डाउट क्लियर तो बता दो, ठीक है? अब न्यूक्लियर फोर्स देखो, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है? न्यूक्लियर वही दीप लाड ने पूछ भी लिया मुझसे कि सर न्यूक्लियर प्रोटॉन्स के इशू तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो तभी तो बोल रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स इज डिफरेंट, और वो फोर्स लगाता है हमने ऑब्जर्व किया, तभी तो है, हमें ये तो पता है कि प्रोटोन सारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है? तो क्या होगा, उस वजह से क्या लगाएगा न्यूक्लियस पे, वो क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, भागने की कोशिश करेगा, बट न्यूक्लियर फोर्स उसके अंदर खुद लग रहा है, कभी तो हमने ऑब्जर्व किया ना न्यूक्लियर फोर्स कि उनको बाउंड करके रख कौन रहा है वहां पे सभी प्रोटोन और न्यूट्रॉन को साथ में, दैट इज अ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? क्लियर है? इस फोर्स के बारे में फटाफट कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी डोमिनेट कर रहा है ना ये, तो न्यूक्लियर फोर्स इज strongest in nature second one, ये short range force होते हैं, बड़े range के force होते हैं, short range काफी अच्छे से लगते हैं, nuclear force are short range force,
ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या आपके शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस फोर्स फॉलो करता है। डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता ना, उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बैटरी डाउन है। उसके बाद ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को सब तरह से उल्टा ही हो गया, और ये चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उसका उल्टा ही हो गया सब कुछ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। दिस फोर्स इज This force is independent of charge. Charge पे depend नहीं करता, ठीक है, clear है सबको? कोई doubt है तो पूछ लो, any doubt? ठीक है, next term, क्या सबको clear है? Yes, ask, क्या डाउट है दीप आपको? वो डाउट टाइप करेगा है, जल्दी टाइप कर दो डाउट जो भी है। ये फोर्स कौन लगाता है भैया? न्यूक्लियस खुद लगाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक टू फोर्सेस है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक टू न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग ही होता है, वीक होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, मैं एटॉमिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में लगेगा, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एटॉमिक फोर्स, एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी मास डिफेक्ट, क्लियर है ना सबको पहले वाला? मास डिफेक्ट क्या होता है? शिवानी मैंने बोला है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले तो वो चीज दिमाग से निकाल दो, ये न्यूक्लियर फोर्स किस कौन लगा रहे हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, वो ही फोर्स लगा रहे हैं, तो न्यूट्रॉन तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है ना, चार्ज पे डिपेंड, उसको तो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है ना, ठीक है, आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो ही मत, तभी तो इसने बोला है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है, और ये इंडिपेंड वो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो सीधा सीधा आप लोगों को बोलना चाह रहा है न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, अब मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है? जो आपका खुद का जो मेन न्यूक्लियस होता है
उनका डिफरेंस है उसकी कंसेक्यूटिव, जैसे इट इज डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन अनुशय क्या करना चाह रहे हो आप? ठीक है, मास इफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कंसेक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका सम करोगे और न्यूक्लियस का सम होता है वो उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास इफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। Is known as mass defect. Delta M जो होगा, कोई भी न्यूक्लियस होगा, जो भी न्यूक्लियस होगा उसको हम न्यूक्लियोइड को हम दिखाते हैं Z A, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे Z इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे A माइनस Z इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ दिस एटम जो ये न्यूक्लियस हमें गिवन है। ठीक है, क्लियर है? सो मास ऑफ प्रोटॉन एक से मान लो करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कैल्शियम, उसका 39.2287 ऐसा कुछ गिवन होता है, तो किसी का भी निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20-20 होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैल्शियम, कैल्शियम का मास गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 39.962589 U। ठीक है, तो उन्होंने बोला फाइंड मास डिफेक्ट, तो कैल्शियम होता क्या है? Ca20/40 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 20, तो लगा लो फॉर्मूला पहले, डेल्टा एम निकालना है मास डिफेक्ट, डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड, जेड कितना है 20, मास ऑफ वन प्रोटॉन जो होता है एम पी, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.007825, दिस इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, एम पी की जो वैल्यू होती है मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, which is equal to 1.007825 U। mass of neutron जो होता है वो कितना होता है 1.008665 U, उसको रख दो तो plus 20 into 1.008665, ये तो हो गया total mass किसका, proton और neutron का sum करके, माइनस न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम है, कितना है 39.962589। ठीक है, कितना बनेगा? डेल्टा एम निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 20+20 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40.3298 माइनस 39.6258। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.367211। ठीक है, दिस इज योर मास डिफेक्ट, क्लियर है? तो ये मास डिफेक्ट है क्या है, जो न्यूक्लियस कोई भी होगा उसके जो नंबर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के उनका एक इंडिविजुअल मास निकालेंगे और न्यूक्लियस का जो मास गिवन है उसको माइनस करेंगे, दैट टर्म इज मास डिफेक्ट। क्लियर, नो डाउट?
नहीं, डीप ब्लड इधर अप्रोक्सीमेटली 1 U नहीं ले सकते, 1 ले लोगे तो आंसर 40 बन जाएगा, तो गलत आ जाएगा आपका आंसर। मास डिफेक्ट इसलिए अराइज होता है क्योंकि अगर आप इन न्यूक्लियर फोर्स होता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा क्या कर देता है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। इससे से क्या होता है कि थोड़ा सा मास है ना आपका डिफेक्ट मतलब आप जब जोड़ते हैं ना, वो जब जब आप एक न्यूक्लियर फोर्स इन सबको कोलाइड करके जोड़ मतलब कोलाइड कोलैप्स करके जब जोड़ता है, कोएलिस बोलते हैं उसको, जुड़ते हैं जब सारे साथ में, तो वहां पे क्या थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पे थोड़ा सा मास भी क्या होता है, क्योंकि तो आपने वेव नेचर में पढ़ा हुआ है कि मूविंग इफ एनर्जी इज देयर देन दैट पार्टिकल शुड हैव मास, ठीक है। तो मास जो होता है थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा फर्क नहीं आता है, बट बहुत कम होता है। Mn का मतलब जैसे गिवन मास का मास ऑफ गिवन न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करें जो मैंने रखा ना यहाँ पे 39.62 ये वाला, ठीक है। तो जब जुड़ते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम हो रहा है। देखो डेल्टा एम 0.367211 U है वो, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाला बता रहे हैं लोग, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट के बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस का, कि उसको बाइंड करके रख सके, ठीक है। बाइंडिंग मैंने कितना लिखा था, 39.62 लिखा था क्या, 39.96 था अगर मैंने 62 लिखा उसको, तो 39.962 मैंने यहाँ पे 9 था, पर कैलकुलेशन में मैंने 96 ही रखा है, ठीक है। इधर 39.96 है, ठीक है, ये चीज। ठीक है, चलिए बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होती है, सीधे सीधे इस फॉर्मूले से बता रहा हूँ। The binding energy of nucleus is represented as, expressed as, the binding energy, EV से बोलते हैं इसको, EV, the binding energy of nucleus is expressed as EB इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, कि उसे कितना बाउंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो हमने मास डिफेक्ट निकाला है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस है उसको बाउंड रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है जितनी ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। जितना मास डिफेक्ट ज्यादा इसका ना न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी मोर विल बी इट विल न्यूक्लियस विल बी स्टेबल, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकालते हैं, ई बी इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, ठीक है। दिस इज मास डिफेक्ट, ठीक है, डेल्टा एम इंटू 931 क्या हो गया, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इसको सी स्क्वायर को चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ईबी, ठीक है। क्लियर है सबको, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में रख दिया है,
ev इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. तो बाइंडिंग एनर्जी कैन बी रिटन एज ev इक्वल टू z into mass of proton plus a minus z into mass of neutron minus mass of given sample into 931 mega electron volt. ठीक है, this is binding energy of nucleus. फिर next term, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. नेक्स्ट टर्म है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा ये? इसको लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को सीधे सीधा बोलते हैं ईवी डिवाइड बाय न्यूक्लियस का मास ए. ये होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो ईवी बाय ए जो भी आपने निकाला डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय उसको ए से डिवाइड कर दो, दैट्स इट. अब सबका ए पे डिपेंड करता है. तो जिसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होती है न्यूक्लियस उतना क्या होता है स्टेबल. ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईवी बाय ए मोर स्टेबल न्यूक्लियस विल बी. जिसकी जितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा ज्यादा मास केजी में नहीं है सुजी की यू यूनिट होती है एटॉमिक यूनिट होती है एएमयू उसमें है. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट ऐसा कुछ नाम होता है. मैं प्रोटॉन का मास रख रहा हूँ 1 U केजी में थोड़ी ना है वो. वैसे प्रोटॉन का मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.31 × 10⁻³¹. प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻²⁷ समथिंग ऐसा कुछ होता है ना. ठीक है, मैंने उसको यूनिट बोल दिया. ठीक है, चलिए वो आपको याद रखना पड़ेगा 1.008665 फॉर न्यूट्रॉन एंड 1.007825 फॉर प्रोटॉन. ठीक है, चलिए फिर तो अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाएंगे. बाइंडिंग एनर्जी कर्व ठीक है, ये कर्व किस किस के बीच में बनता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच. इट इज कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास ए मास नंबर. ठीक है, ग्राफ बनाया जाए. जब ग्राफ बनाया गया ठीक है,
दिस इज ग्राफ बिटवीन ई बी बाय ए एंड ए एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, तो ग्राफ हो जाता है कुछ इस तरीके से. नीचे फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर ठीक है. के बाद में फिर तीन बार हम्प ले लिया, तीसरी बार लेके फिर नीचे. आप रैंडम कैसे बना सकते चलेगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ. ऐसे देन लाइक दिस. Like this. थोड़ा सा ठीक है. देन इम्पोर्टेंट जो है ये ग्राफ किसके बीच में कांस्टेंट, मतलब जो एटॉमिक रेडियस 30 से ज्यादा 170 से कम. तो एक मैं लाइन बना रहा हूं, दिस लाइन ये एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है. तो मास नंबर 30 के बाद से और 170 के बीच में ग्राफ ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट ही है, कांस्टेंट है. सो ग्राफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिटवीन एटॉमिक मास फ्रॉम 30 to 170 जो होता है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये जो रीजन है क्या इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर विच इज डिपेंडेंट. और इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आयरन की 56, उसका है मास Fe. और ये जो वैल्यू होती है एक्चुअली कर्व थोड़ा ज्यादा ऊपर दिख गया, ये कर्व थोड़ा नीचे होगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होती है और ये आयरन की होती है. लेकिन इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आयरन की होती है वो होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम. दिस इज 8.75. ठीक है, 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन. क्योंकि देखो डेल्टा एम जो हमारा किसमें होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो सबसे ज्यादा आयरन का होगा, फिर यूरेनियम का आता है सेकंड पे विच इज 7.6. यूरेनियम 235 के बाद बाहर आगे जाके आता है, यूरेनियम का आता है इस आगे कोई पॉइंट पे विच इज यूरेनियम विच हैविंग एटॉमिक नंबर 235, मास नंबर 235. यूरेनियम का जो होता है वो होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर. तो जो न्यूक्लियस 130 से कम और 170 से ज्यादा होते हैं उनकी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, थोड़ी सी कम होती है इसके रिलेटिव. देखो इन सब की कम है इस ग्राफ के रिलेटिवली. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फॉर अ ग्राफ बिटवीन बिलो 30 एंड मोर देन 170 इज क्वाइट लेस देन बिटवीन 30 टू 170, उनसे क्या थोड़ी सी
कम होती है, ठीक है। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, बिल्कुल करता हो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करता है, ठीक है, बिटवीन 30 to 170, एंड इट इज मैक्सिमम फॉर आयरन। आयरन का एटॉमिक मास कितना मानते हैं हम, एटॉमिक मास इज 56, आयरन इज 56, गलत लिख दिया, ऊपर आएगा 56, 28 होता है उसका नंबर, 56 होता है उसका मास, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसको डिस्कवर किया था बैक्वेरल, क्योंकि बैक्वेरल इसकी यूनिट होती है, नाम था आई थिंक हेनरी बैक्वेरल, ऐसा कुछ नाम था, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरल, स्पेलिंग देख लो, उसके बाद ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस जो होता है लल्ला, वो रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है, वो न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है, डीप लर्न, कम नॉलेज ज्यादा नॉलेज ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। और ये डिस्कवर किस ईयर में हुआ था, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेल इन, मेरे से जस्ट जन्म होने से 100 साल पहले, 1896 में, ठीक है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आपका, रिकनेक्टिंग, जिसने हाथ अपना हैंड रेस किया है, पहले तो अपना नाम चेंज कर लो, वरना रिकनेक्टिंग आपका किस नाम से अटेंडेंस लगाई जाएगी, रेडियो एक्टिविटी इज रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी इज प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इनटू सम अदर न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन Spontaneous disintegration of nuclei of some nucleides called nucleides, इनको क्या nucleides जिसमें टूटता है ना उसको हम बोलते हैं also called radionuclides, ठीक है, क्लियर है। और इसके साथ कुछ और ही पार्टिकल निकलते हैं विद द इमिशन ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और कुछ जो होते हैं एंड सम बाय गामा रे इमिशन, ठीक है, कुछ क्या होंगे गामा रेस भी निकालेंगे, ठीक है। सो इस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनटू सम अदर न्यूक्लियाइड्स व्हिच इज आल्सो नोन एज रेडियो न्यूक्लियाइड इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके,
ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर आप उसे समझना। अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास 16 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और एक मिनट में यू कैन ईट हाफ ऑफ इट, तो एक मिनट बाद कितनी चॉकलेट बच जाएगी? 8 आफ्टर 1 मिनट, उसके एक मिनट बाद कितनी बचेगी? 4, एंड आफ्टर दैट 2, देन उसके बाद 1, उसके बाद 0, नहीं 1/2, फिर 1/4, ऐसे चलता रहेगा। तो आप ये देखो टाइम तो सबका सेम है, 1 मिनट ही, क्योंकि मैंने बोला था 1 मिनट में हाफ होती है, ठीक है। तो पहले 1 मिनट में देखो सबसे ज्यादा कम हुई 8, फिर 4 ही कम हुई, फिर 2 ही कम हुई, तो सबसे ज्यादा रेट किस टाइम सबसे ज्यादा था? सबसे ज्यादा रेट था इनिशियल में था। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt, जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं माइनस, क्योंकि कम हो रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू एन, उस पॉइंट पे कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडीके, उस टाइम पे अनडीके बचे हैं, कितने बचे हैं उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। खुशी, इस ग्रुप में किसको प्रपोज किया जा रहा है और गालियां लिखी जा रही है? आपको पता होगा आप किसी और को भेजना चाह रहे थे, किसको भेजना चाह रहे थे? एंड यू नो वी हैव दिस रिकॉर्डेड चैट, चैट जो होती है यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। आप लोगों को पता है आप लोगों को प्रेजेंट किस लिए बोला जाता है चैट बॉक्स में लिखने के लिए? ताकि उसके बेसिस पे आपकी अटेंडेंस सेव की जा सके, ठीक है। तो आपकी चैट जो होती है वो सेव होती है ग्रुप में यहाँ पे, ठीक है, जूम में, ठीक है। तो जिस किसी ने भी मजाक किया तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखो मैंने ये बोला कि अभी जितनी भी, जैसे आपके पास कुछ भी हो, जैसे कोई टॉफी हो, कोई चॉकलेट हो, कुछ भी हो, तो पहले
चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, अभी तक सुन लीजिए आराम से, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, पहले देखो 16 से 8 एक मिनट में हुआ, फिर 8 से 4, तो देखो पहले कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 8 हो रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 4 ही हो रहे हैं, तो डिसइंटीग्रेशन का रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है ना, एक मिनट में पहले 8 हो रहा था, फिर एक मिनट में 4 हो रहा है, फिर एक मिनट में 2 ही हो रहा है, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड, उस टाइम तक अनडिके कितने पड़े थे उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या बोलता है, दैट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड, जो अनडिकेड नहीं होंगे उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो dN बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू लैम एन, और dt इक्वल, जब प्रोपोर्शनल से रहता है तो कोई कांस्टेंट आता है, इज इक्वल टू लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, सो यहां से इतना सबको क्लियर है ना, इज इट क्लियर? ठीक है, सो क्या बनेगा, dN बाय dt इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, सो dN बाय एन इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग dN by n इक्वल टू माइनस लैम्डा, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt, t इक्वल टू 0 पे इनिशियली कुछ पड़े होंगे n नॉट, और एट एनी टाइम t निकाल रहे विच इज n, तो क्या बनेगा, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये बनेगा ln n लिमिट n नॉट से n इक्वल टू माइनस के लैम्डा dt का t माइनस 0, मैं लिमिट भी डाल दी साथ में, इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा, dN बाय इसको डाल दोगे लिमिट, तो ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा t, ओके, सो ln n बाय n नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा t, सो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू ln हटाएंगे तो क्या बनेगा, e पावर माइनस लैम्डा t, सो n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ये आपके बचेंगे न्यूक्लियस, दिस एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड, ठीक है, और एन नॉट क्या, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, इतना क्लियर है सबको, तो ये वाला आपका लास्ट पार्ट है जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, शेडेड से दिखा रहा हूँ, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है, इज इट क्लियर? सो सबको समझ आ गया ये चीज, ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, डीप लॉर्ड ने हाथ उठाया, बोलेगा कि सर मैंने लिखा नहीं है, प्रीवियस स्लाइड दिखाओ, यही बोलेगा ना, लो देखो,
है, चलिए अब तो n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपके टर्म एक्टिविटी। अगर इसमें भी हाफ लेट, अब यहाँ पे एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिय एट टी इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब एक टर्म आती है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास 16 चॉकलेट्स हो तो 16 से हाफ मतलब आधे होने में कितना टाइम लग रहा है, 16 से हाफ होने में, इज नोन एज, तब इसका मतलब अगर आपका एन कितना रह जाए इनिशियल वाले से कितना रह जाए, हाफ रह जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एन इक्वल टू एन नॉट बाय टू, और लैम्डा सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, डीके कॉन्स्टेंट, हर किसी के प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। माइनस ई पावर लैम्डा टी क्या बनेगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसल, 1/2 इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, e पावर लैम्डा टी इक्वल टू टू, ठीक है। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन टू, और टी के हाफ लाइफ है, इसको मैं हाफ लाइफ बोल देता हूँ यहीं पे, तो हाफ लाइफ कितना आएगा, एल एन टू बाय लैम्डा, ए हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, दिस विल बी योर आंसर, ए हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, सो दिस इज हाफ लाइफ, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव। फिर आता है मीन लाइफ, मीन लाइफ मतलब कि एवरेज लाइफ कितनी होती है रेडियो एक्टिव की, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज गिवन बाय टॉ से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन एन डी टी डिवाइड बाय एन, ठीक है। और तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से टाइम काफी ज्यादा लंबा लगाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है विच इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो फिर पूछते हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ में, हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 टो, कि 1/λ क्या आपका मीन लाइफ है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और रेडियो एक्टिव डीके और अल्फा डीके, एक्टिविटी पढ़ ही लेते हैं अभी, इतना में क्लियर है सबको, और फटाफट नेक्स्ट टाइम आती है आपकी एक्टिविटी। सर हाउ ई पावर टी बाय टू इज 1/2, कहाँ लिखा है मैंने ई पावर, ये टी टी हाफ लाइफ को मैंने पूरा नाम दिया टी हाफ लाइफ, ऐसा टी हाफ, ये
एलन लगाओगे ई को हटाने के लिए, ई पावर हटाने के लिए क्या लगाते हैं, एलन ही लगाते हैं ना, ठीक है सर। एस इंक्रीजेस हाफ लाइफ ऑल्सो इंक्रीजेस टाइम। आप अच्छा टॉ की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल। अगर मेन लाइफ आपकी बढ़ रही है, जैसे मैं हाफ लाइफ, मेन लाइफ है क्या मतलब पूरी उसकी जो एवरेज लाइफ क्या है, अगर एवरेज लाइफ बढ़ रही है तो डेफिनेटली हाफ लाइफ भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना डीके कांस्टेंट कम, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट जितना कम, उतना ही क्या होगा, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है, उतना फटाफट डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। उतना ही क्या होगा, हाफ लाइफ ज्यादा होगी। और आपको पता है ये जो पहाड़, रॉक्स, किसी भी स्कल्पचर, जो इतनी मूर्तियां मिलती है ना, कोई भी स्केलेटन मिलता है, उसकी एज हाफ लाइफ के बेसिस पे ही कैलकुलेट की जाती है कि उसके अंदर कार्बन रेशियो कितना है। कार्बन जो होता है उसकी हाफ लाइफ में पता नहीं कुछ कुछ होती है फैक्टर, तो उतना उसके फिर उसके स्केलेटन में देखते हैं कितना बचा है वो, ठीक है। उसके अमाउंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कितनी हाफ लाइफ वो पास कर चुका है, ठीक है। ऐसा चलिए, बाकी हम फिर कल ही नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो